रिलेशनशिप में एक बहुत उल्टी चीज़ हो रही है एंड हमेशा से होती रही है, जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा और आप रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में आप इस बात को बताएगा कि हाँ मैंने भी एग्जैक्ट चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। सबसे पहली चीज़, कोई इंसान आपको पसंद करता है, आपको प्यार करता है, लेकिन उस टाइम पे आप सीरियस नहीं होते हैं और इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। अब ये चीज़ें देखकर ना आप उनको प्यार करने लगता है कि मतलब बंदा सीरियस है, तो आप कन्विंस हो जाते हैं एंड आप उनको जेन्यून समझकर सीरियस होकर प्यार करने लगते हो और प्यार करने में ना इतना आगे बढ़ जाते हो कि आप मतलब उनको इस तरह से प्यार करते कि भाई मैं तेरे ऊपर डिपेंड हूँ, मतलब तेरे बिना सोच नहीं पाता, तेरे बिना खुश नहीं हूँ, तुझसे कभी दूर नहीं जाऊँगा, एकदम कम्प्लीटली सरेंडर कर देते हो उनके सामने। ये झुकना होता है और जब उस इंसान को ये पता चले कि आप तो झुक गए, मतलब अब उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको इतना प्यार करने लगे, जब उनको ये पता चल गया कि आप उनके सामने झुक रहे हो, ठीक है, तो इंसान मतलब आपको और इग्नोर करेगा। मतलब पहले प्यार करता था, अब वो भी इग्नोर करने लगा, क्योंकि मतलब उसको यही तो चाहिए था कि आप सरेंडर कर दो, और जैसे आपने देखा कि वो और इग्नोर कर रहा है आपको, प्यार करने से इग्नोर में चला गया, तो आप उनके सामने और फैल जाते हो और झुकने लगते हो, रोने लगते हो कि यार ऐसा मत करो हमारे सामने, झुकते जाते हो। जितना आप झुकोगे ना वो आपसे और दूर जाएगा। इसलिए जो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़रूरी बात, कि जब कोई तुम्हें इग्नोर करने लगे तो तुम्हें झुकना बंद करना होगा, क्योंकि जब तक तुम नहीं झुकोगे तब तक वो इंसान तुम्हारी वैल्यू रिस्पेक्ट कर ही नहीं पाएगा यार। क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम शुरू ही तब से हुआ कि जब तुम उनके सामने झुकने लगे, पहले देखो ना तुम सीरियस नहीं ले रहे थे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो इंसान तुम्हारे पीछे क्या क्या करता था याद करो, एक्सपीरियंस किया ही होगा तुमने। और जैसे तुमने सीरियस लेना शुरू कर दिया उस इंसान को और ये जताने लगे कि भाई तुम्हारे बिना आगे हम लाइफ में कुछ सोचने वाले ही नहीं है, छोड़ ही नहीं सकते, अगर तुम दो दिन हमें इग्नोर करो, बात ना करो, हम तो मर जाएंगे, इस तरह से तुम झुके, उसके बाद तुम देखो कितना प्यार था, अब वो इंसान इग्नोर कर रहा, दोस्तों के साथ है, वहाँ है, इधर है, तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, क्यों हो रहा है, तुम झुक गए, तुम लेट गए उनके सामने, और जैसे ही वो इग्नोर करने लगा तुम और फैले और तुम कोशिश कर रहे हो कि नहीं ऐसा मत करो मेरे साथ, वो और ज़्यादा तुमसे दूर जाने लगे। सबसे पहली चीज़ ये समझनी होगी कि फ़र्क दिखाना पड़ेगा कि तुम बात करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। एक तो वो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, अब तुम्हें ये पता चल गया कि इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं ये बहुत प्यार करता हूँ और दिखाता हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ा है। सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा तुम्हारी बातचीत में, तुम्हारे एटीट्यूड में, तुम्हारे व्यवहार में, जब तुम उनके साथ डील करते हो। अब तुम तो स्टेटस डाल रहे हो कि यार दो दिन से खाना नहीं खाया, मतलब नींद नहीं आ रही, इतने परेशान है, ऐसा दिखाना कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी इंसान इस टाइम पे तुम ही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे उनके कोई इमोशन खुल नहीं जाएंगे तुम्हारे लिए कि भाई तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो क्योंकि उस इंसान को तुम प्यार करते हो। नहीं, एक्चुअल में तुम अगर समझो, अगर उनके माइंडसेट को समझो, अगर ह्यूमन साइकोलॉजी को समझो कि वो पीछे आ रहा था ना, तब तुम यही दिखा रहे होते, भाई सीरियस नहीं ले रहे तू आ रहा या नहीं आ रहा इस बात को। लेकिन अब तो उल्टा फर्क पड़ेगा ज़्यादा, कि आप इतने रो रहे थे और जब तुम ये दिखाओगे वापस है कि भाई बात कर ना कर, हमारा तो चल रहा है, लाइफ है, काम है, फ्रेंड है, फैमिली है, सब कुछ है, ये एटीट्यूड आना पड़ेगा आप में, अदरवाइज और दूसरी चीज़ क्या है तुम्हारे पास, यही चीज़ रोते रहो, झुकते रहो, क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा, लाइफ ख़राब कर दी, क्या होगा उससे, कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले ना ये चीज़ लाने की कोशिश करो, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनो और रियल में इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये तुम्हारी मजबूरी है, अगर तुम इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे साथ वो वही करेगा, कभी भी तुम्हारे रोने से, तुम्हारे तकलीफ या ये दिखाने से कि बहुत फ़र्क पड़ता है, वो वैल्यू नहीं कर पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये चीज़ उनको फील होनी चाहिए कि नहीं, वो बात करे ना करे, इग्नोर करे प्यार करे, इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम टूट जाओगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब तक तुम उस इंसान के सामने झुकोगे नहीं ना, वो तुम्हें स्पेशल फील करवाने के लिए, तुम्हारा वो प्यार पागलपन पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करते रहेंगे, क्योंकि लोगों को ना किक मिलती है, मज़ा आता है कि इमोशनली मैं किसी को जीत लूँ, वो एक्चुअल में चाहते हैं कि तुम उनके सामने झुक जाओ। लेकिन जब तक रिलेशन में रहते हुए भी तुम उनको ऐसे डील करते हो कि बात करें, हाँ इन्जॉय करें, तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आ रहा है यार,
पर अगर तुम दो दिन बात नहीं करोगे, छोड़ के चलोगे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बुरा लगेगा, ठीक है, लेकिन पीछे पीछे नहीं आएंगे दोस्त, रोएंगे नहीं तुम्हारे लिए, तड़पेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं कि प्लीज़ वापस आ जाओ। ये एटीट्यूड जब तक एक रिलेशनशिप में इंसान में रहता है ना, आप देखना, वो इंसान हमेशा कोशिश करता रहेगा, वो उसका माइंड है उसके बारे में सोचता रहेगा कि कैसे ये इंसान मुझे और ज़्यादा प्यार करे, और ज़्यादा प्यार करे। लेकिन जिस दिन तुम झुक गए, उनको इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएंगे और कहेंगे कि आप क्या मेहनत करना, समझो, जिसको आपने जीत लिया है उसके पीछे आप मेहनत करोगे, लेकिन जो आपके सामने झुकता नहीं है उसको झुकाने का बहुत मन करता है, लोगों को किक मिलती है। और इमोशनली भी यही चीज़ होती है दोस्तों, कि आप जिनके सामने झुक जाते हो ना, वो इंसान बाद में आपको इग्नोर करता है। तो भले ही तुम झुक गए हो, कोई बात नहीं, खड़े भी जो हो सकते हो, ठीक है, अब झुकना बंद करो, अब ये दिखाना बंद करो भाई तुम्हारे बिना हमारी लाइफ नहीं चलती। तो याद रखो कि जब तक तुम ये दिखाते रहोगे कि भाई टूटेंगे नहीं तुम्हारे बिना, मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता, तब तक वो तुम्हें स्पेशल फील करेंगे, तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ भी कर जाएंगे। लेकिन जब तुमने ये दिखा दिया कि हम तुम्हारे सामने झुक गए, फिर वो तुम्हारे बारे में सोचना ही बंद कर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एकमात्र विकल्प होता है कि आप खुद को बेहतर बनाने के ऊपर काम करो। जब आपको कोई इग्नोर कर रहा होता है तो आपके लिए ये बहुत ही सही निर्णय होता है कि आप उस इंसान के पीछे रोने, आप उस इंसान को मनाने, समझाने या उनके साथ लड़ने से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि मैं अपने आप को और अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, क्योंकि ये उनके लिए ना एक परफेक्ट आंसर है। जो भी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ ना, कि झुकना नहीं है, उनको ये दिखाना है कि भाई झुकेंगे नहीं, फर्क नहीं पड़ता, वो सारी चीज़ें ना उनको बतियाना नहीं है उनके सामने, उनके सामने जाकर भोंकना नहीं है कि भाई कोई फर्क नहीं, कुछ मत बोलो, उनको कहो ओके जो तुम्हें सही लगता है। लेकिन एक्शन लोगों को ना बहुत समझ में आते हैं। जब वर्डिंग का इम्पोर्टेंस एक टाइम पर ख़त्म हो जाता है कि तुम वहाँ जाकर उनको क्या क्या समझा रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो, एक टाइम के बाद ना एक्शंस लोगों को बहुत समझ में आए, यार मतलब ये इंसान जो मेरे लिए रोता रहता था, अब उसकी लाइफ में बहुत कुछ होता है करने के लिए, मतलब चीज़ों में इंटरेस्टेड है, मतलब उसका इंटरेस्ट स्विफ्ट हो गया क्या, मेरे बिना खुश है क्या, ये चीज़ें लोगों को बहुत चुभेगी आपकी, ये मतलब जिनके लिए आप रोते रहते थे अब आप उनके बारे में सोचते नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि ऐसे कैसे। देखो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, अगर कोई इग्नोर कर रहा है ना तो उनके पास जाए वो रोए कि देखो कृपा करो हमारे ऊपर, दया करो, तरस खाओ, ठीक है, कि अगर तुम मेरे साथ इस तरह से करोगे ना तो हम बहुत दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, मर जाएंगे कसम से तुम्हारे बिना। दूसरी चीज़ ये होती है कि तुम ये सब कुछ बंद कर दो, ऑब्जर्व करना कहाँ ऑनलाइन है, किसके साथ जा रहा है, माइंड नहीं करना है इस चीज़ को, कि ये करके भी क्या कर लेंगे, अगर पता चल गया कि ऑनलाइन है, पता है कि वो किसके साथ ऑनलाइन है, क्या फ़र्क पड़ेगा, दुखी होंगे ना तुम। ऐसे ये सोचो कि अब मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, अपने आप के इस टाइम को कैसे बेहतर बनाऊं, ठीक है, आने वाले दिन को कैसे मैं और ज़्यादा मजबूत अपने आप को बना सकूं, ऐसा कुछ करूं मैं। तो क्या होगा कि पहले तो तुम ध्यान नहीं दोगे तो वो वहीं पर परेशान होना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा आजकल मेरे पीछे नहीं आता, समझ रहे हो, और तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में तुम खुश भी हो गए। ये सारी चीज़ें ना उनको तुम्हारी ओर अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि वापस से क्या हो रहा है कि तुम अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो रहे हो, वहाँ पर गुलाम हो रहे थे इसलिए वो इग्नोर कर रहे थे। इमोशनली इंडिपेंडेंट होना सीखो, उनके सामने झुकना बंद करो। चौथी चीज़ हमेशा आप याद रखो कि जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी ना कि लोग झुकने से प्यार नहीं करते, समझो, झुकने के बाद ही लोग आपको इग्नोर करते, ज़्यादातर लोगों को ये बात बहुत टाइम के बाद समझ में आती है, और तब तक उनकी हालत यही रहेगी कि वो लोगों के पीछे भागते रहेंगे, रोते रहेंगे और लोग उनको इग्नोर करते रहेंगे। झुकना रिलेशनशिप में किसी भी के सामने कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा, हमेशा आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। और लोग ये समझ नहीं पाते यार कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, मैं उसके सामने क्या क्या कर रहा हूँ, फिर भी वो नहीं मान। तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ रहे हो। लेकिन एक टाइम के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आती है। हालांकि ये चीज़ें ना आपको स्टार्टिंग में समझ में आनी चाहिए कि हम जब लोगों को वैल्यू नहीं करते थे, उनके लिए सीरियस नहीं थे, तो वो कितने सीरियस थे। पर ये चीज़ें एंड में लोगों को समझ में आती, बहुत बड़ा उल्टा गणित है। हकीकत में पहले समझ में आना चाहिए ना,
क्योंकि पहले ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है। पर दो तीन लोगों के साथ लोग रिलेशनशिप में रहते हो और हर रिलेशनशिप में बुरी तरह से इस तरह से फेल होते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है कि अच्छा, फिर वो ताव में आते हैं, फिर वो एटीट्यूड दिखाते हैं, फिर ना आसानी से झुकते नहीं है, क्योंकि अब तक तो वो पक गए हैं ठोकरें खा खा करके, उनको चीज़ों को समझ में आने लगे कि हाँ, तब जाके उनकी लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में बहुत गजब का फर्क आता है। उनके पर्सनल और पब्लिकली उनके जो भी रिलेशनशिप होते हैं ना, सारे रिलेशनशिप में बहुत बड़ा फर्क आता है, क्योंकि तब तक ठोकरें खा खा कर लोगों ने ये समझ लिया होता, सीख लिया होता है कि एक्चुअल में डील कैसे करना होता है लोगों के साथ। जहाँ पर आप लेट गए, जहाँ पर आप झुक गए, वहाँ से आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म, वहाँ पर आपकी वैल्यू ख़त्म, समझे। लेकिन हमेशा उनको एज ए पार्टनर के सामने अपने आप को बराबर आपने रिप्रेजेंट किया कि जैसे तुम हो वैसे भी हमें अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि डिपेंड है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बिना हमारा कुछ रुक जाएगा। उस रिलेशनशिप में हमेशा सामने वाला इंसान आपको वैल्यू रिस्पेक्ट दे पाएगा, क्योंकि हम उनको ही वैल्यू रिस्पेक्ट देते हैं जिनको हम अपने टक्कर का, या हम मानते हैं कि ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। जो डिपेंड है ना, उनकी हम कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप नोट कर लेना, जो आपके सामने सरेंडर करता है, जो आपके सामने रोता है, कैसे रिस्पेक्ट कर पाओगे यार आप उस इंसान की जो आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपके सामने अपने आप को सरेंडर करता है। लेकिन जो इंसान आपको टक्कर देता है ना, आप चुपचाप अकेले में उनके बारे में सोचते जरूर हैं। तो रिलेशनशिप में जब तक आप झुकना बंद नहीं करोगे ना, लोग आपको इग्नोर करेंगे, और जैसे आपने झुकना बंद किया, वो तभी से आपकी वैल्यू करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।